लोको जयमसी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम में सभी श्रोतागण को नमस्कार। मैं पास्टर जैकब को धन्यवाद देता हूँ, खासतौर से रामा सीरीज के द्वारा प्रभु के वचन को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को तैयार किए हैं, और इसके लिए हम पास्टर जैकब को और उनके टीम को दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रिय दोस्तों, भाई बहन, आज के दिन हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना के महत्व के बारे में। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे पहले मैं कुछ मुख्य बातें प्रार्थना से संबंधित आपको बतलाना चाहता हूँ। बाइबल में 650 बार प्रार्थना की गई, जिसमें से 450 प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, और अभी भी कई प्रार्थनाओं को उत्तर मिलना बाकी है। पहली प्रार्थना उत्पत्ति 4:26 में पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के सिल्पाई काल में उनके द्वारा 25 प्रार्थना बाइबल में दर्ज है। पौलुस 41 बार प्रार्थना विनती, निवेदन, प्रार्थना उत्तर आदि जैसे शब्दों को इस्तेमाल करते थे। बाइबल में कई तरह के प्रार्थनाएं हैं और कई तरीकों को बताया गया है, और प्रभु के दासगण अलग अलग तरीकों से प्रार्थना की, जैसे बैठकर प्रार्थना करना, घुटने टेक कर प्रार्थना करना, खड़े होकर प्रार्थना करना, भूमि पर गिरकर और दंडवत करके या सर झुकाकर प्रार्थना करना, और अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करना। बाइबल को जब गहराई तौर से आप अध्ययन करेंगे तो 9 प्रकार की प्रार्थना पाई जाती है। पहला है विश्वास की प्रार्थना, दूसरा सहयोग एवं संगति की प्रार्थना, तीसरा है विनती की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, आराधना की प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, अभिशाप से छुटकारा के लिए प्रार्थना, और आत्मा से भर कर प्रार्थना। 9 प्रकार की प्रार्थना बाइबल में पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को प्रार्थना के बारे में सिखाए, और मत्ती 6:9-14 में आपको ये देखने को मिलेगी। इसमें से मुख्य 5 बातें, सबसे पहले बात है परमेश्वर की महिमा हो, अनंत काल तक महिमा हो। दूसरी बात है परमेश्वर की आंतरिक इच्छा क्या है। तीसरी, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करे। चौथी, परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करे। और पांचवी है परमेश्वर हमें परीक्षा में ना पड़े। किसी ने कहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें बहुत सावधान रहने का जरूरत है। सिर्फ सर उठा लेने से और घुटना टेक लेने से और कुछ कुछ शब्दों जैसे हालेलुया, जीसस, ग्लोरी, धन्यवाद, प्रभु यीशु, ये छोटे छोटे शब्द बोलने से परमेश्वर खुश नहीं हो जाते। जब तक हम सच्चे दिल से और सच्चे मन से एक आत्मा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहे कि तुम दिखाने के लिए प्रार्थना करना। यूहन्ना 4:23 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रार्थना से संबंधित कुछ विशेष बातों को लिखी गई। मैं एक पास्टर को जानता हूँ, प्रभु के दास है, और उनका एक आदत है जो एक प्रार्थना से संबंधित है। मैं कभी भी उनको फ़ोन करता हूँ तो प्रार्थना में बैठे रहेंगे और तो पर भी फ़ोन उठा लेंगे, और फ़ोन उठाकर बोलेंगे हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो, ओ प्रभु जी धन्यवाद, बोलिए दीपक सर कैसे हैं, और सुनाइए कौन क्यों फ़ोन कर रहे हैं, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। तो मैं एक बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि वो प्रभु से बातचीत कर रहे हैं या हमसे बातचीत कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, भाई बहन, जितने लोग आज इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक अच्छे लय में, एक अच्छे सुर में गीत गा लेना सिर्फ
वो परमेश्वर की आराधना को नहीं दिखाता जब तक हम सच्चे दिल से और एक सच्चे आत्मा से हम परमेश्वर की आराधना को नहीं करते। जब आप परमेश्वर से आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आपका ध्यान परमेश्वर की आत्मा से जुड़ना चाहिए। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, मैं भी जब बाइबल ट्रेनिंग में था तो एक कहावत है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। हम जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ज़्यादा हमें सामर्थ्य, हम प्रार्थना कम करेंगे तो हमें कम सामर्थ्य, हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो बिल्कुल हमें सामर्थ्य नहीं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना प्रार्थना करें। जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन का श्वास, बिना श्वास का एक व्यक्ति एक मरा हुआ एक लाश के समान। उसी तरह से यदि हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे मसीह जीवन में यदि प्रार्थना नहीं तो हम एक मरा हुआ लाश का समान है। इसलिए प्रार्थना जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और प्रार्थना कोई एक मंत्र के समान नहीं है जो हम रट लिए और उच्चारण करते रहे। प्रार्थना एक ऐसी वार्तालाप है जो एक पुत्र और एक पुत्री अपने पिता के सामने करता है। इसलिए मैं ही आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं हम दिल के गहराइयों से परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं एक बहुत बड़े एक प्रभु के जन और एक बहुत बड़े आविष्कारक के बारे में बतलाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया। और जब वो बच्चे थे तो उनकी माँ उन्हें सिखाया करती थी, बेटा प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। तो जी मार्कोनी ने अपने मम्मी से पूछे, माँ मुझे ये बताइए कि मेरा पिता स्वर्ग में है, मैं धरती पर हूँ, तो मेरी प्रार्थना को कैसे सुनते? तो उनकी माँ ने बताया, परमेश्वर के पास एक ऐसा यंत्र लगा हुआ है, तुम जो कुछ भी सच्चे दिल से प्रार्थना में मांगते हो भी सुनाई देता है और वो आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। तो जी मार्कोनी ने प्रार्थना किया अपने बर्थडे के लिए और उन्होंने परमेश्वर से विशेष उपहार को मांगा, विशेष चीज को परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उनके जरूरतों को पूरा किया। और इसी तरह से वो बढ़ते गए और जब जब वो प्रार्थना किए परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को सुनकर उनको उत्तर दिया। तो जी मार्कोनी ने निर्णय लिया कि मैं बड़ा होकर एक ऐसे यंत्र का निर्माण करूंगा जो यहाँ पे लोग बोले और 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर उसके आवाज को सुनाए। और उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। जब आप रेडियो में कोई संगीत को सुनते हैं एफएम के माध्यम से, तो क्या आपको लगता है वो व्यक्ति आपके पास में से बोल रहा है? नहीं, वो 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दिल्ली मुंबई नेपाल में बैठकर लोग बोलते हैं और हमें यहाँ पे सुनाई देता है। ये रेडियो सिर्फ मात्र एक उपकरण ही नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का एक जीवित गवाही, एक प्रार्थना का उदाहरण है कि जिस तरह से हम 400 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को आवाज़ को यहाँ पे सुन सकते, उसी तरह से हमारे आवाज़ को भी परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। मैं एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। और वो एक बार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। जब वे लेक्चर दे रहे थे तो एक मेडिकल का तैयारी करने वाला छात्र खड़ा होकर उनसे एक सवाल पूछा, बोला, सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आइंस्टीन साहब बोले, बेशक बिल्कुल जरूर पूछिए। तो उसने उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में कौन ऐसा रिसर्च है, आपने बहुत सारे चीज़ों पे रिसर्च किया, लेकिन कौन ऐसा रिसर्च है जो आपसे छूट गया और आपको लगता है ये मेरे लिए असंभव है और इस पर हम रिसर्च नहीं कर सकते? प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, उसने मुस्कुराते हुए एक सुंदर जवाब दिया,
वो बोला कि मैं सारी बातों पे रिसर्च कर सकता, दुनिया में मेरे लिए एक ही बात छुपी हुई है जिस पे मैं रिसर्च नहीं कर सकता, और वो है प्रार्थना। क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता है कि हमारे प्रार्थना को परमेश्वर कब, कैसे और किसको किस समय उत्तर दे सकता है। प्रार्थना इतनी बड़ी एक ताकत है हमारे जीवन में। बहुत सारी बातें हैं जो कई जगहों पे हम नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो आप हर जगह कर सकते हैं। आप यात्रा करते वक्त भी प्रार्थना कर सकते हैं, गाड़ी चलाते वक्त भी आप छोटी छोटी प्रार्थना कर सकते हैं, पार्क में आप घूमते वक्त भी प्रार्थना कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते समय प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने घर के बालकोनी में टहलते वक्त भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सब लोग एक महान परमेश्वर के दास के बारे में जानते होंगे, उनका नाम है बिली ग्राहम। और बिली ग्राहम एक बार अपने कमरे के भीतर गए और दरवाजे और खिड़की को बंद किए, तो जैसे ही अंदर गए कुछ ही देर बाद उनका फोन आता है और उनका नौकर उस फोन को उठाता है और फोन में आवाज सुनाई देता है, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, बिली ग्राहम को फोन दो। और तुरंत डरकर बिली ग्राहम प्रभु के दास के दरवाजे के पास जाता है और खटखटाता है, बोलता है आपके लिए राष्ट्रपति का फोन। बिली ग्राहम साहब ने बहुत सुंदर जवाब दिया जो मेरे दिल को छूता है। उन्होंने अपने नौकर से बोला, राष्ट्रपति को कह दीजिए मैं राष्ट्रपति के भी राष्ट्रपति से बातचीत कर रहा हूँ, मैं बात नहीं समझ। नौकर कंफ्यूज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, सोचा कि राष्ट्रपति का भी राष्ट्रपति हो सकता है, कौन है वो शख्स जो राष्ट्रपति का भी राष्ट्रपति। बाद में उन्हें पता चला वो परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे। प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, बिली ग्राहम प्रभु का दास इसलिए महान नहीं थे, वो इसलिए महान थे क्योंकि उसने प्रार्थना के महानता को समझा। उसने अपने जीवन में प्रार्थना की प्राथमिकता, उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना के महत्व को ऊपर रखा। मैं उनके बारे में एक और बहुत अच्छा खबर सुनता हूँ, इतना सच है लेकिन मैं दोस्तों लोग से सुना हूँ। एक बार उन्हें यहाँ तक राष्ट्रपति बनने का ऑफर मिला और उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने बोला, जिस परमेश्वर ने हमें इस महान सेवकाई में बुलाया उसकी सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा सेवा नहीं, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। उन्होंने अपने बुलाहट में और अपने दर्शन में विश्वास किया और प्रभु को ऊंचा उठाया। इस दुनिया में आप देखेंगे जहाँ कहीं भी जागृति आया है, बहुत देशों में जागृति आया है, उन सब के पीछे ये कोई बहुत बड़ी वजह है तो सिर्फ और सिर्फ है प्रार्थना। साउथ कोरिया में पॉल योगी चो, वहाँ पर एक बहुत बड़े प्रभु के दास, यदि वहाँ पर भी जागृति आया है तो उसके पीछे जो रहस्य है वो प्रार्थना है। यूरोप में जागृति आया, अमेरिका में जागृति आया, इन जिन जिन क्षेत्रों में बहुत बड़े जागृति आया सारे क्षेत्रों में प्रार्थना है। हजारों लाखों लोग बड़े बोझ और बड़े दर्शन के साथ प्रार्थना की, 40 दिन का प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना की, चैन प्रेयर उन लोग किए, 3 दिन का उपवास प्रार्थना किए, होल नाइट प्रेयर उन लोग किए, मॉर्निंग प्रेयर किए, स्पेशल प्रेयर किए, अलग अलग रीति से उन लोगों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुनकर उनके देश को आशीषित किया। प्यारे भाइयों बहनों, आपको मालूम होना चाहिए प्रार्थना में एक बहुत बड़ी शक्ति है। प्रार्थना वह हथियार है जो हमें आत्मिक युद्ध में लड़ने में मदद करते हैं। बिना प्रार्थना के हम आत्मिक युद्ध कभी भी नहीं लड़ सकते और हम विजय के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्रार्थना में वह सामर्थ्य है जो एक व्यक्ति को जीवन देता है, मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, अंधों को आंखें और लंगड़ों को चलने में मदद करता है।
प्रार्थना में वह सामर्थ्य है जिसे रोगी चंगा हो जाए, प्रार्थना में वह सामर्थ्य है जो समुद्र को भी दो भाग में बांटता है, प्रार्थना में वह सामर्थ्य है जिससे बारिश भी थम जाती है, और प्रार्थना में वह सामर्थ्य है आपकी भी बारिश होने लगती है, प्रार्थना में वह सामर्थ्य है सूरज की भी गति थम जाती है। और ये सब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। प्रार्थना से ही हमें पापों की क्षमा मिलती है, प्रार्थना से ही हमें बुद्धि और ज्ञान मिलती है। प्रार्थना हम सब लोग करते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम कितना सामर्थ्य में, परमेश्वर के कितना सामर्थ्य में होकर प्रार्थना करते हैं, ये हमारे लिए मायने रखता है। हम लोग सीखेंगे प्रार्थना कैसे करें। सब लोग अलग अलग रीति से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया उसमें मुख्य कुछ बातें, उन्होंने राज, प्रभु परमेश्वर का राज आने के लिए प्रार्थना को सिखाया, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने के लिए प्रार्थना को सिखाया, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना को सिखाया, और रोज की रोटी हमें मिलने के लिए प्रार्थना को सिखाया। प्रभु यीशु ने प्रार्थना में सिखाया, और हमें परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं हमें बुद्धि मांगना है। यिर्मयाह 33 का ये भी बोलता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन से कठिन बातें सिखाऊंगा जिसे तू पवित्र नहीं समझता। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, हो सकता है आप अच्छे से मैथ को नहीं समझते, हो सकता है आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, हो सकता है आपको साइंस आपको समझ में नहीं आता, हो सकता है परमेश्वर के वचन के रहस्यों को आप नहीं समझते, हो सकता है आप भविष्यवाणी के पुस्तकों को आप नहीं समझ सकते, बहुत सारी ऐसे बातों को जो लोग आपको समझाते हैं नहीं समझते। आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे। इसलिए लिखा है यदि तुम्हें बुद्धि की घाटी हो तो परमेश्वर से मांगो। सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना में सिर्फ और सिर्फ बुद्धि मांगा, और परमेश्वर उसको बहुतायत से आशीष दी। प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगे होते हैं, और विश्वास के द्वारा रोगी बच जाते हैं। प्रभु यीशु ने यह भी प्रार्थना करने के लिए सिखाया कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना हो। हम इस सांसारिक जीवन में, ये अंधकार से भरा हुआ जीवन में, ये दुनिया एक बदलाव की ओर जा रहा है, इस जीवन में हमारे नाना प्रकार के परीक्षाओं को सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है ताकि इस परीक्षा में परमेश्वर हमें विजयी दे। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का पांच मुख तत्व, एक प्रार्थना का मुख पांच भाग है। आप जब भी प्रार्थना करते हैं तो आपको जांचना है क्या ये पांच चीज हमारी प्रार्थना में। सबसे पहले जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप पहला जो भाग है स्तुति, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सर्वप्रथम उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें। प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं का राजा हैं, आप योग के बल हैं, सामर्थ्य के बल हैं, आपके जैसा कोई नहीं, आप पराक्रमी, आप असंभव को संभव करने वाला, आप परमेश्वर को इस तरह से प्रशंसा और तारीफ करें। तो पहला भाग है प्रार्थना का स्तुति करना। दूसरी बात है परमेश्वर को धन्यवाद देना, हर एक बातों के लिए, छोटी सी छोटी उपकार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप अपने पत्नी के लिए परमेश्वर को संभालो, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने पति के लिए, आप अपने दोस्त के लिए, रिश्तेदार के लिए, कलिसिया के लिए, विश्वासी भाई बहन के लिए, संस्था में हर एक कर्मचारियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आज हम इस वक्त जीवित हैं तो ये भी एक परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, और हमें परमेश्वर को धन्यवाद। हम जिस स्तर तक पहुँच गए हैं, हो सकता है आप में डॉक्टर होंगे, आप लोग में कई लोग इंजीनियर होंगे, हो सकता है आप अच्छे बोलने वाले होंगे, इन सब के पीछे परमेश्वर का अनुग्रह है, और इस हर एक छोटे से छोटे उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारे भारत देश में
सबसे बड़ा लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा कमजोरी जो मैंने पाया है कि लोग जल्दी किसी को धन्यवाद नहीं करते और ना ही कभी जल्दी किसी को सॉरी करते। और मैं ही कह रहा रोमियो का जब पहला अध्याय पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला पाप यही चीज है कि इंसानों ने परमेश्वर को धन्यवाद करना छोड़ा। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दीजिए। पहला स्तुति करिए, उसके बाद धन्यवाद दीजिए। तीसरी बात है परमेश्वर से क्षमा मांगो हर एक बात के, हर एक बुराइयों के लिए। हो सकता है चुगली करने के द्वारा हम पाप करते हैं, किसी का पीठ के पीछे शिकायत करते हैं, वो भी हमारे जीवन में एक पाप। हो सकता है हमारे आँखों के अभिलाषाओं के द्वारा पाप होता, जाने अनजाने में कुछ पाप होता, दिन में किसी भी पाप को। कई बार हम स्मार्टफोन देते हैं, देखते हैं गलत एड्स, प्रचार, कुछ ऐसे तस्वीर एडवर्टाइजमेंट आ जाने के बाद हम लोग अभिलाषा में गिर जाते हैं। हर एक छोटी से छोटी पापों के लिए किसी पे आप क्रोधित हुए, किसी को आप अपशब्द बोले, इन तमाम पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा। और चौथी बात है मध्यस्थता की प्रार्थना, अर्थात दूसरों के लिए प्रार्थना। गरीब दुखी जितने लोग आपको प्रार्थना करने के लिए बोले उन सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। और आखिरी में आपका जो निवेदन है विनती है प्रार्थना। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम ये बात को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। सबसे पहले ये आपको जानना है कि परमेश्वर है, इस दुनिया में परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी पे परमेश्वर है और वही सत्य परमेश्वर है। ये आपको विश्वास करना है। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, मनुष्य को परमेश्वर की जरूरत है, मनुष्य परमेश्वर के बिना इस दुनिया में नहीं जी सकता और नहीं रह सकता है। आपको ये विश्वास करना है परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। और आखिरी बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। हम अपने प्रार्थना जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं? दो प्रकार की बातें, पहली है आदत। बहुत से लोग बोलते हैं हमें प्रार्थना करने की आदत ना। मैं उनसे एक लेवल के एडवांस बोलना चाहता हूँ, आप प्रार्थना करने का आदत नहीं, अपने अंदर एक लत हो जाए। आदत और लत में आप पूछेंगे क्या फर्क है? आदत वो है जैसे झूठ बोलना हमारी आदत है, लेकिन जैसे लोग खैनी खाते हैं तो खैनी खाना आदत नहीं है, एक उनका लत। आदत छूट सकता है लेकिन लत नहीं जल्दी छूटता है, लत छुड़ाने पर भी नहीं छूटता है, उसके लिए बहुत सारे पापड़ मिलने पड़ते हैं। मैं ही करना चाहता हूँ सारे श्रोतागण को, जितने लोग आज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप अपने अंदर लत को लगाएं, प्रार्थना करने का लत को लगाएं, ताकि दुनिया का कोई भी शक्ति उस प्रार्थना का लत को छुड़ाने ना पाए, चाह कर भी छोड़ने ना पाए। आपको एक नशा टाइप का होना चाहिए कि प्रार्थना के बिना मुझे मन नहीं लगता, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए और आप अपने अंदर प्रार्थना का लत को डालें। कई लोगों को मैंने बहाना बनाते हुए सुना, अरे मुझे बहुत सारा काम है, ऑफिस का बहुत सारा प्रेशर है, दोस्त का बहुत सारा प्रेशर है, कंप्यूटर पे बहुत सारा एंट्री मारना है, ये मीटिंग है, वो मीटिंग, मेरे पास उतना समय नहीं है, हम प्रार्थना कैसे करें? मैं ये करना चाहता हूँ, इसीलिए तो प्रार्थना करना है कि आपके पास बहुत सारा काम है, आपके पास बहुत सारा काम है, इसके लिए प्रार्थना नहीं करना ये बहाना नहीं बांधना, परंतु और प्रार्थना करना कि सारे कामों में परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे और हम इसको सफलतापूर्वक करने पाए। तो आपके पास बहुत सारा काम है, उसको बहाना नहीं बनाइए, उसको अवसर अपने जीवन में बनाइए और प्रार्थना में और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई तरह के हम लोग अब प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन में भोर की प्रार्थना के बारे में जिक्र है।
भोर की प्रार्थना का मतलब ये होता है कि आप सुबह की पहली किरण देखने से पहले आप अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगाएं, अर्थात आप अपने जीवन में परिवार, बच्चे, माँ बाप, रुपया, पैसा, नौकरी, धन दौलत, कमाई, डिग्री, हर चीज से बढ़कर आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते, परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देते हैं। इसलिए हमें भोर की प्रार्थना को भी आदत डालना चाहिए, हमें खाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए हमारा ध्यान भंग ना हो। जब आप प्रार्थना करते हैं, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अलग अलग रीति से हम प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक हंसने वाली बात, एक जोक सुनाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और हमें अच्छा लगेगा। तो एक पास्टर साहब थे और एक उनके विश्वासी थे और दोनों ने निर्णय लिया कि हम लोग घूमने चलेंगे। और उन्होंने दोनों चलते चलते काफ़ी बातचीत करते करते थक गए और रास्ते में उनको एक होटल मिला और जिसका नाम था मसीही होटल। तो हम लोग बहुत खुश बोले कि वाह क्या बात है, मसीही होटल भी पाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि इस होटल में खाना खाएं, लेकिन उस पर एक टर्म कंडीशन ये भी लिखा हुआ था कि जो मसीह लोग हैं उनको खाना फ्री में मिलेगा और जो बाकी लोग हैं उनको पैसा लगेगा खाना खाने के। तो हम लोग और बहुत खुश हुए कि बोले अरे वाह, तब तो हम लोग फ्री में खाना खा लेंगे। लेकिन जब दोनों गए, दोनों को अलग अलग टेबल पर बैठाया गया और दोनों को खाना खाने के लिए दिया गया। जब दोनों खाना खा लिए तो वेटर बिल लेकर आता है, तो पास्टर साहब को 250 रुपया का बिल आ जाता है और विश्वासी को बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं देना है उनको, ऐसा सूचना है। तो पास्टर साहब गुस्सा हो जाते, बोलते हैं हम पास्टर हैं, इतने लोग हमारे कलीसिया में हैं, हम इतना बाइबल पढ़ लेते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लोग मुझे पास्टर कहते हैं, आप और ये विश्वासी इसको उतना जानकारी नहीं, हम इसको सिखाते हैं, हम इसको बपतिस्मा देते हैं, आप इससे पैसा नहीं ले रहे हैं और हमसे उल्टा पैसा ले रहे हैं। तो वेटर ने जवाब दिया, देखिए यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा, जब आप लोग दोनों प्रार्थना कर रहे थे तो उसमें ये दिखाई दिया कि आप बिना प्रार्थना के हुए खाना खाए और जो आपके विश्वासी है वो प्रार्थना करके खाना खाया, इसलिए हम लोग समझे वो मसीह है, आप नहीं मसीह, इसलिए आपको पैसा देना पड़ेगा और उनको 250 रुपया भरना पड़ा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पास्टर लोग प्रार्थना नहीं करते, बेशक प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे ये एक हमारा एक पहचान है कि हमें खाने के लिए, हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मैं एक सुंदर बात को आखिरी में आपके साथ बांटना चाहता हूँ, दूसरा इतिहास 7:6। आप सब ये कोरोना महामारी के दौरान ये वचन काफ़ी लोकप्रिय हुआ, बहुत से लोग इसको फॉरवर्ड किए, इसके गहराई को हम समझेंगे। उसमें लिखा है यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहला, मैं ये शब्दों को तोड़कर आपको बतलाना चाहता हूँ, यदि, यदि मतलब अनजाने वश भी, शायद ना चाहते हुए भी, किसी भी तरह से यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरे प्रजा के लोग, कौन है परमेश्वर के प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, कौन परमेश्वर के लोग कहलाते, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अर्थात वो जो मसीह कहलाते, जिन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार प्राप्त किया, जिसे परमेश्वर को लेपालक पुत्र होने का अधिकार मिला, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जिसने यीशु को पहन लिया, जिसपे मसीह का मुहर लगा हुआ है, ऐसे लोग जो परमेश्वर को कहलाते हैं, परमेश्वर की प्रजा को कहलाते हैं, ये बाहर के लोगों के लिए वचन नहीं है, हम लोगों के लिए, हम पास्टर लोगों के लिए, हम मसीहियों लोगों के लिए वचन है कि ऐसे लोग, उसके अंत में पढ़िएगा, मैं देश के जीव का त्यों कर दूं। यदि ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारा देश चंगा हो जाए, हमारे देश को जीव का त्यों कर दूं,
अर्थात हमारे देश में बहुत बड़ी जागृति आई, हमारे देश में दूध और मधु की धारा बहने वाली देश, हमारा देश जीव का तीन हो जाए, हमारा देश सोने का चिड़िया हो जाए, अभी मिट्टी का चिड़िया। कुछ लोग बोलते हैं अंग्रेजों को आने से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता, फिर बाद में उन्होंने मिट्टी का चिड़िया बना दिया। अभी कुछ भ्रष्ट नेताओं ने उन्हें कागज का चिड़िया बना के उसको नाम मात्र पुरा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं हमारा देश सोने का चिड़िया, ये सिर्फ 400 और 600 साल की बात है, मैं तो इससे भी 6000 साल पहले की बात आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि हमारा देश सिर्फ सोने का चिड़िया नहीं, अदन की वाटिका हो जाए, जहाँ पे अपार शांति, बहुत खुशी, बहुत आनंद, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई मिलावट नहीं, शांति ही शांति है और परमेश्वर के साथ साथ हरियाली ही हरियाली, कोई प्रदूषण भी नहीं, हमारा देश अदन की वाटिका के समान हो जाए। इसके लिए हमें अपने जीवन में तीन बातों को करने की जरूरत है और उसी वचन में आप पढ़ेंगे तीन बातें। तो सबसे पहली बात है दीन होकर प्रार्थना करना। आप हमसे पूछेंगे ये दीन होकर प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने कमरे के भीतर जाते हैं, दरवाजे और कोठरी बंद करते हैं, जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब परमेश्वर के निकट समीप जाते हैं, आप एक लीडर के हैसियत से ना जाएं, आप एक कोऑर्डिनेटर के हैसियत से ना जाएं, आप एक डायरेक्टर के हैसियत से ना जाएं, आप एक बहुत बड़े पीएचडी किए होंगे, एक डॉक्टरेट का डिग्री पाए होंगे, एक डिग्री होल्डर के हैसियत से ना जाएं, आप अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी समझ के परमेश्वर के पास ना जाएं, आप एक बहुत बड़ा अपने आप को बिजनेसमैन रुपया पैसा वाला समझ कर नहीं जाए, परंतु आप अपने आप को दीन समझ कर परमेश्वर के पास। दीन का अर्थ होता है कि अपने आप को तुच्छ समझ, अभागा समझ, निर्बल समझना, कमजोर समझना, अपने आप को असहाय समझना, अपने आप को अयोग समझना और यह समझ कर जाना कि प्रभु हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम समुद्र को दो भाग कर सकें, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम मृतों को जिला सकें, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम रोगियों को चंगा कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम पाप के जंजीर में जो फंसे हुए लोग हैं उनको छुड़ा सकते हैं, परंतु प्रभु सिर्फ आप में ही सामर्थ्य, आप ही मृतों को जिंदा कर सकते, आप ही हमारे देश को कोरोना से मुक्त कर सकते, आप ही हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते, आप ही हमारे देश को वायरस का जो टीका है उसको ढूंढने में लोगों को मदद कर सकते। मैं यही करना चाहता हूँ, आप जब भी प्रार्थना करते हैं दीन होकर प्रार्थना करिए और लीन होकर प्रार्थना। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, आप जब भी प्रार्थना करते हैं दीन होकर प्रार्थना करिए और लीन होकर प्रार्थना। बहुत से लोग परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने अपने आप को काबिल बनकर जाना चाहते हैं। मैं बोलना चाहता हूं काबिल बनकर नहीं, अपने आप को हाबिल बनकर जाना। परमेश्वर को काबिल का जरूरत नहीं है, हाबिल जैसे आत्मा रखने वाले लोगों को जरूरत है। काबिल गिरी हो सकता है ऑफिस में चलता हो, काबिलगिरी कई बार हम अपने से तुच्छ लोगों के सामने दिखाते हैं, अपने से कम पढ़े लोगों के सामने दिखाते हैं, अपने से निर्बल लोगों के सामने दिखाते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आप हाबिलगिरी दिखाते हैं, अर्थात आप अपने आप को नम और आप अपने आप को दीन करें। तो पहली बात है आप अपने आप को दीन होकर कर। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ उसके दर्शन का खोजी। आप लोग समझते होंगे कि उसके दर्शन का खोजी मतलब क्या है। कई बार होता है
कि हम कुछ और दर्शन देखते हैं, परमेश्वर कुछ और दर्शन। मैं एक उदाहरण के तौर पर इसको आपको बतलाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक घर में पति पत्नी है और पत्नी अपने पति के मुंह पे एक टेप, सेलो टेप चिपकाती और पत्नी बहुत पति से मांग रही है, मुझे चूड़ी दीजिए, मुझे साड़ी दीजिए, मुझे पैसा दीजिए ये खरीदने के लिए, मुझे पार्क में ले चलिए, मुझे थिएटर में ले चलिए, मुझे टूर पे ले चलिए। और पति को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे, और पति कुछ बोलना चाहता है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या एक सही वार्तालाप? कई बार हम लोग भी अपने जीवन में ऐसा ही करते, हम बहुत सारे प्रार्थना को करते हैं और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। जब आप ये समझते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, जब पुत्र की एक इच्छा है परमेश्वर से अपने पिता से मांगने का, तो पिता की भी इच्छा है पुत्र से कुछ मांगने का, और वही एक दर्शन। आप प्रार्थना करने के बाद एक दो मिनट शांत है, अपने आप को शांत रहिए और आप ये परमेश्वर की आवाज को सुनिए, परमेश्वर आपके लिए क्या दर्शन देख रहा है। आपने से परमेश्वर बहुत लोगों को ये दर्शन दे रहा होगा कि परमेश्वर आपके को एक बहुत बड़ा सेवक बनाना चाहता है, परमेश्वर बहुत से लोगों को चंगाई का वरदान देना चाहता है, परमेश्वर बहुत से लोगों को छूना चाहता है, परमेश्वर बहुत से लोगों को अपने राज्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप एक डॉक्टर बनकर प्रभु की सेवा करो, परमेश्वर आप में से कई लोग से चाहता है आप एक आईएएस ऑफिसर बनकर सेवा करो। लेकिन हम कहीं और दर्शन की तरफ चले जाते हैं, हम अपने अभिलाषाओं के अनुसार, हम अपनी चाहत के अनुसार अपने दर्शन को निर्माण करते हैं। इसने लिखा है, दीन होकर प्रार्थना करें और उसके दर्शन की पूछे। इसलिए परमेश्वर आपके लिए क्या दर्शन को देखता है, उन चीजों को देखिए और बुरे मार्गों से फिर। मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, बुरे मार्ग से हम सब लोगों को पाप के मार्ग से फिरना है। पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा है, एक बहुत बड़ा एक चट्टान की दीवार के समान, जो हमारी आवाज उस चट्टान से टकराकर स्वयं हमारी ओर लौट जाते हैं और परमेश्वर के पास नहीं पहुंचते। इसलिए इस पाप का रूपी, जो पाप रूपी जो चट्टान है उसको खत्म करें, हमें बुरे मार्गों से फिर। इस दुनिया में इतने गंदे गंदे पाप हो रहे, कई ऐसे पाप हैं जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसको हम पब्लिकली बोल भी नहीं सकते, इतने गंदे गंदे पाप हो रहे। नहीं कहना चाहता, आज पल पल में इंसान को पाप करने के लिए एक अवसर मिलता है, लेकिन हमें उस पाप से बचना है, उस पाप से भागना है, पाप से मन फिराना है। और जब हम बुरे मार्गों से फिरे, अपने पापों को मान लेंगे, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे और हमारे देश को चलेंगे। प्यारे भाइयों बहन, मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व है। और आज जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने जीवन में अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा देश बदल जाए? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे देश में बहुत बड़ी जागृति आ जाए? क्या आप नहीं चाहते कि हमारे देश में परमेश्वर के राज फैल जाए? क्या आप नहीं चाहते हमारा देश भ्रष्टाचार, शराब, गाली गलौज, मारपीट, हत्या, लूटपाट से मुक्त हो जाए? यदि आप चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के पास नम्र और दीन होकर जाने का चाहिए।